नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रामीटी न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ उस्मान मोइन। हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने पहुँचे भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी। खनियादाना पिछले दिनों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा खनियादाना के नगर परिषद चौराहे पर लगाए जाने के मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी ने सैकड़ों दलित एवं सर्व समाज के लोगों के साथ खनियादाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन सब पर नया तहसीलदार अनीश कुरैशी द्वारा केस लगा दिया गया था, जिस पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रीतम लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु जैन कौशल, किशोर शर्मा, कुलदीप सिंह चौहान, पिछौर मंडल महामंत्री दिवाकर अग्रवाल, बामौर काला मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल श्रीवास्तव तुलाराम, अहिरफान विशाल जाटव सहित हजारों समर्थकों के साथ पुलिस थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे वरिष्ठ संविधान के विधाता, उनके आदरों पर चलने वाले और उनसे कुछ सीखने वाले हम सब लोग आज के केस में जमानत कराने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें उनने कानून बनाया है, उस कानून का हमको उल्लंघन नहीं करना है, उनके संविधान पर चलना है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, आप सब लोग अपने अपने दाएं झांक पर देखना, कोई केपी सिंह का चमचा तो नहीं बैठा, कोई कदमा तो नहीं खड़ा। क्यों? यहां का विधायक बहुत घिनौनी राजनीति करता है, बहुत घिनौनी। तो मैं अभी झांका नहीं अपने बगल में, बिल्कुल तेरे से इसके चेहरे को पढ़ लेना। तो मैं यहां के लोगों से, जितने भी नए लड़के, सबसे कहूंगा कि जब रास्ते में हम चलें, अपने अपने मोबाइल खोल कर चलना और पूरी भीड़ पर नियंत्रण रखना, कहीं कोई व्यक्ति उसका चमचा हमारी सभा में घुसकर कोई अपद्र व्यवहार न करे, अपद्र बात न करे, अपद्र कोई पत्थर वगैरह न फेंके। हर व्यक्ति पे हमें नजर रखनी है, और जहां भी देख लोगे ये चमचा खड़ा है, उसको फेंकी भाई थोड़ा सा पकड़ लो और कानून के हवाले कर दो, ये ध्यान करना। सारी सभा को बिगाड़ने का काम करेंगे ये, उसे पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की बारे में सब इकट्ठे हुए हैं, वो सब संविधान के वो निर्माता हैं, कानून के हमारा हरियन समाज भी रखवाला है, इसको बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है मेरे। इसीलिए संत में झांसी अपन जाएंगे, थाने जाएंगे, ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष भानु भैया आ चुके हैं। भैया के नेतृत्व में पिछोड़ में आप सभी लोगों के सहयोग से आगे की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। मैं सभी भाइयों को आंदोलित करना चाहूंगा, प्रीतम भैया के मामले में ये नहीं है कि हम वो लड़ाई जैसा व्यक्ति है उसके वजह से लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रीतम भैया जी देखने में जितने सख्त दिखाई देते हैं, नरियल जैसा होता है ना, ऊपर से सख्त अंदर से मुलायम, वो उस चीज पे नहीं जाने का है। लेकिन क्या है, प्रीतम भैया कभी मिलते हैं तो एक शेर सुनाते हैं मुझे अकेले में कि हम तो दिल को बेचते हैं अगर कोई मोल ले, हम तो दिल को बेचते हैं अगर कोई मोल ले, और इस दिल का यही मोल है कि हंस के बोल ले। तो सभी से वो प्यार और स्नेह के इस आंदोलन में आप सभी को साथ में लेकर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, और मैं इसी आशा विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे, और पूर्ण संविधान में लिखी हुई वही अंबेडकर जी की बातों का मनन करेंगे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधियों को दंड नहीं देंगे, कोई नारेबाजी हम गलत नहीं करेंगे, उधम नहीं मचाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जो कष्ट पहुंचाने वाला हो। इसी के साथ में अपनी भाड़ी को